पिछले 100 दिनों में आयुष विभाग ने क्या कुछ किया ये बताया आज आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने। मंत्री जी, अगर पिछले 100 दिनों का अगर हम देखें तो कौन से ऐसे काम जिस पे आपको फक्र होता है, जिस पे आपको नाज? सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि हम आयुष का विश्वविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनना शुरू हो गया है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि एक इतने बड़े राज्य के लिए, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो विश्वविद्यालय मेरा बनना शुरू हो गया। 105 कॉलेज मेरे पास थे आयुर्वेद होम्योपैथ और यूनानी के, उनका एफिलिएशन शुरू हो गया। अब हमारे जो सत्र होंगे, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होगा, जो हमारे मानक है, वो निश्चित ही बहुत उच्च श्रेणी के होंगे। दूसरी चीज़ कि हमने जो हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए थे, 500 पुराने अस्पतालों को हमने परिवर्तित कर लिया था, उनके बारे में हमारी ये अब हमने BHU के साथ टाई अप किया है कि हमारा उनका समाज के ऊपर असर क्या पड़ रहा, जो वो जागरूकता अभियान चला रहे उससे लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा महत्वपूर्ण काम ये था। तीसरा ये था कि हम औषधि पौधों के हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कराने पर किसानी को बढ़ावा देने के लिए कि अब किसान उत्पादित करे ऐसे चीज़ों को जिनकी ज़रूरत हमारे दवाओं में पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा कारोबार उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और करीब 134 प्रकार की वन औषधियाँ हैं जिनकी हम खेती शुरू कराने जा रहे हैं। तो भारत सरकार की अनुमति मिलते ही तो उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। अभी तक वो धान गेहूं अनाज करके, फल और सब्जी करके सीमित थे, अब हमारे औषधि पौधों की खेती करके कारोबार में वृद्धि होगी। खाद्य सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, हमने हाई इंडिक्यूमेंट से 2 ऐसी लैब अभी उत्तर प्रदेश में बनारस में और आगरा में शुरू किया है, जिसके चलते हमारे जो अभी तक बहुत सारे ऐसे मिलावट की चीज़ें थी जिनको हम पकड़ नहीं पाते थे, चाहे वो खाद्य पदार्थ में मिलावट हो, चाहे वो दवाओं में हो, अब वो हमारे जो इक्विपमेंट है ये दुनिया के सबसे एडवांस इक्विपमेंट है। तो इसके चलते हमारे उन चीज़ों, पेस्टिसाइड की जांच लिक्विड फॉर्म में, जैसे एंटीबायोटिक की जांच हम नहीं कर पाते थे, हैवी मेटल्स की जांच नहीं कर पाते, तो अब वो सारी चीज़ें हम इन मशीनों के द्वारा जांच करने, हमने लैब की संख्या बढ़ाया है, 7 मंडलों को अभी शामिल किया जहां के सचल वाहन हमारे खाद्य जांच के लिए। तो इस तरह से हमने 15 मंडलों को इसमें जोड़ लिया है जहाँ सचल वाहनों के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में वो रोटेशन घूमते रहते हैं और जहाँ इच्छा करती है वहाँ लगा के लोगों के उसकी जांच करते हैं खाद्य पदार्थों की। तो उत्तर प्रदेश में इस दिशा में भी बहुत काम हो रहा है, हम औषधियों की जांच कर पा रहे हैं, तेलों की जांच, खाद्य पदार्थों की जांच, रेस्टोरेंट की जांच। हमने अभी रेटिंग शुरू किया है रेस्टोरेंटों के लिए, हाइजीन रेटिंग, 2000 ऐसे महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को जोड़ा है जिन्होंने भारत सरकार के जो मानक है खाद्य संरक्षा के, उन सब के द्वारा जो जुड़ के हमने 75 मंदिरों को जिनसे प्रसाद का वितरण होता है उनके प्रसाद की क्वालिटी के एक मानक के अनुरूप कि अच्छे प्रसाद मिले लोगों को, तो 75 ऐसे मंदिरों को जोड़ा है। हमने करीब 100 आवासीय परिसरों को जिसमें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, तो उनको हमने एक कि उनके जो कैंटीन है, उनके जो बच्चों को खाना परोसते हैं वो कैसा है। तो इस तरीके से हर दिशा में खाद्य सुरक्षा, औषधि को लेकर और आयुर्वेद और होम्योपैथ यूनानी को लेकर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। ये है यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे वो खाद्य सुरक्षा का मसला हो या फिर आम जनता के सेहत से जुड़ा हुआ तमाम सवाल, उसको सुलझाने की जो कोशिश है वो योगी सरकार कर रही है और यही वजह है कि आयुष विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।